नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। लखनऊ महापौर पद के लिए लिए गए पूर्व सीएम स्वर्गीय बाबू बनारसी दास की बहू अलका दास और मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव का नाम प्रमुख दावेदारों में है। बता दें कि महापौर की सीट के लिए बीजेपी से पहले और मौजूदा डिप्टी सीएम की पत्नियों के अलावा दो पूर्व सीएम की बहुएं भी चुनावी मैदान में ताल ठोक सकती हैं। सीट महिला होने के लिए इनके बाद नामों पर तेजी से चर्चा हो रही है। दावेदारी तो औरों की भी है लेकिन इन्हें प्रमुख दावेदारों में माना जा रहा है। ऐसे में महापौर सीट को लेकर होने वाला चुनावी काफी रोचक होगा। बता दें कि पिछले चार चुनाव में महापौर की सीट पर लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है और इससे पहले ये सीट कांग्रेस के पास थी। शहर की दूसरी महिला महापौर बनने के लिए कई बड़े नाम चर्चा में हैं। इनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व महापौर डॉक्टर दिनेश शर्मा की पत्नी जयलक्ष्मी शर्मा का नाम प्रमुख है। मौजूदा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक का नाम भी चर्चा में है। पिछले चुनाव में भी इनका नाम उछला था। उधर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबू बनारसी दास की बहू अलका दास और पूर्व सीएम स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव का नाम भी प्रमुख दावेदारों में माना जा रहा है। अपर्णा इस वक्त बीजेपी में है। निवर्तमान महापौर संयुक्ता भाटिया के साथ उनकी बहू रेशु भाटिया का नाम भी चर्चा में है। इसके अलावा विधायक नीरज बोरा की पत्नी बिंदु बोरा और बीजेपी नेता सुधीर हलवासिया की पत्नी मधुरी हलवासिया का नाम भी जोरों पर है। समाजवादी पार्टी से पिछली बार नीरा वर्धन से चुनाव लड़ा था, इस बार भी उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। चर्चा है कि पार्टी में उनसे बेहतर प्रत्याशी सामने नहीं आया है। कांग्रेस से पिछली बार प्रेमा अवस्थी ने ताल ठोकी थी, इस बार उनके नाम भी चर्चा में कम है। पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता की चर्चा काफी ज्यादा है। दावेदारी को लेकर उनकी ओर से मजबूती के प्रयास किए जा रहे हैं। बीते साल जब सीट अनारक्षित प्रस्तावित थी तब कारोबारी राजेश कुमार जायसवाल का नाम पार्टी में सबसे पहले नंबर पर था। सीट महिला होने के बाद प्रियंका की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। इनका एक कारण ये भी है कि प्रियंका गुप्ता को प्रियंका गांधी का खास माना जाता है। उधर बसपा से पिछली बार बुलबुल गोदियाल चुनाव में थी मगर इस बार अभी किसी दावेदार का नाम चर्चा में नहीं है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।